मत कोई निंदो
के लोगामुख नित डसे नित डसे पटवारी को मत कोई निंदो
डाडी दस मुनसफ तावे रैयत बसन ना दे तावे रैयत बसन न देही गबदा सा सा
कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाए। करम राय का दफ्तर सोधिया, बाकी रिजम न पाए। ओ करम राय का दफ्तर सोधिया, बाकी रिजम न पाए। मत कोई निंदो, आपको मत कोई निंदो, संता को मत कोई निंदो, संता को मत कोई निंदो, संत जाका ना विवेको, कहो कबीर सो गुर पाया, जाका ना विवेको। कहो कबीर पाया, जाका ना विवेको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, विवेको। मैं सो गुर पाया।
संतों को मत कोई निंदो। संत राम है, संत राम है एको। संत और राम में कोई फर्क नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कबीर जी कह रहे हैं और ये वाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए संतों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं राम ही संत है। बात को बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी ध्यान से समझना। आज का जो टॉपिक है ना साथ संगत, बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं कि संत होते कौन है, संत की जरूरत क्या है, संत करते क्या है, संत का असली उद्देश्य क्या है, असली और नकली संत की पहचान क्या है। गुरु नानक मेहर करें एक एक सवाल का जवाब मिल जाए आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बाबा नंद सिंह जी पूर्ण महापुरुष संत जिसके बारे में वाणी कहती है उनका जन्म दिहाड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, क्या संत होते हैं, पहले होते थे, क्या आज भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझने के लिए एक बात, एक एग्जाम्पल है छोटा सा। नकली नोट मार्केट में तब आते हैं जब असली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर असली नोट नहीं है तो नकली भी नहीं आएंगे। नकली नोट इस बात का प्रमाण है कि असली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आपको जितने भी संत दिखाई देते हैं मेरे जैसे कपड़े पहन के, वाइट कपड़ों में, ऑरेंज कपड़ों में, ये जो नकली हम घूम रहे हैं, ये प्रमाण है कि असली भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से पकड़ना। अगर संत नहीं है तो दुनिया खत्म हो जाए, खत्म हो जाए दुनिया संत ना हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाणी कहती है हैन विरले। क्या कहते हैं श्रवण कीजिए। गुरु नानक पाशा कहते हैं हैन विरले नहीं कणे, हैन विरले नहीं कणे, फैल
पकड़ संसार, फैल पकड़ संसार। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। हैन विरले नहीं कनेरे, फैल पकड़ संसार। फक्कड़ स्वभाव होता है संतों का, एक पहचान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फक्कड़ स्वभाव ये नहीं कि फटे हुए कपड़े पहन के घूमेंगे। फक्कड़ स्वभाव का मतलब अटैचमेंट नहीं होती किसी भी चीज से, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं। वो घटना याद कर लो ना, बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े साहब वाले बाबा नंद सिंह जी को कहते हैं कि जो कुछ भी बन रहा है जमीन पर बन रहा है, हृदय में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होती, त्यागी स्वभाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ने आज छोटी छोटी बातें दृष्टांत छोटे छोटे लेके दास आगे बढ़ता जाएगा। मेरा मन है कि आज आपको पता चल जाए कि संत क्या होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमेशा वही बात आ जाती है, कट्टर लोग हैं ना, टाउन करते। कई प्रकार की दुनिया है, दुनिया में लोग कहते हैं कि बाबा नंद सिंह जी का नाम क्यों लेते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ जाओ ना, बीच में संतों की जरूरत क्या है। मैं कहता हूँ स्कूल बंद कर दो फिर सारे, बाजार में किताबें बहुत मिलती है, ले आओ बच्चों को पढ़ा लो, घर में किताबें हैं ना, पढ़ लो। टीचर की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताबें बहुत हैं, समझाने के लिए टीचर चाहिए। अगर बाबा नंद सिंह जी ना होते हमें पता ही ना होता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। आज यहां पर यह कीर्तन हो रहा है बाबा नंद सिंह जी की कृपा, बस गुरु रामदास जी का आशीर्वाद। गुरु नानक तो है ही है, पर जो करा रहा है जिनसे वो सेवा, जिनकी कृपा से हो रहा है, वो बाबा नंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं कीर्तन में, पहाड़ों में कीर्तन हो रहा है, जंगलों में जाके कीर्तन करते थे बाबा नंद सिंह, समाधि लगा लेते थे, रागी जते साथ में, अचानक कहीं भी पहुंच जाते थे जंगलों में। उनसे कोई बेनती करता था कि शहर में करो ज्यादा संगत जुड़ेगी, कहने लगे नहीं, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें हंस चाहिए जो हीरे मोती चुगने वाले हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जंगल में कीर्तन सुनने वही आएगा जो आशिक हो कीर्तन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है, एक साधु आ गया पहाड़ों से उतरकर। कीर्तन के समाप्त हुए बाबा नंद सिंह जी से उसने सवाल किया कि त्याग क्या होता है। त्याग, बाबा नंद सिंह जी उठे, माथा टेका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, चल पड़े। सेवादार साथ में उठे, कहने लगे बैठो हम आते हैं, चले गए वापिस ही ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने तक बाबा नंद सिंह जी किसी को पता नहीं चले कहां गए। 6 महीने बाद मिले जंगल में, पेड़ के नीचे समाधि लगा के बैठे आए, ना कोई सेवादार, ना कोई कपड़े, ना कोई कोई सामान नहीं उठाया। संगत ने पूछा, भाई उस साधु से तूने क्या पूछा महापुरुषों से, वो चले गए वापिस ही नहीं आए। कहने लगे मैंने पूछा था त्याग क्या होता है, आज तक बड़े संतों से मिला हूँ, पूछा त्याग क्या होता है, समझाते हैं त्याग ऐसा होता है ऐसा होता है, पर ये बाबा नंद सिंह जी है जिन्होंने करके दिखाया त्याग क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ छोड़कर उसी वक्त चले गए, सब कुछ, ना संगत, ना सेवादार, ना सामान, एक कपड़ा तक नहीं उठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरानी इस बात की है, ऐसे संतों की भी लोग निंदा करते हैं। कबीर जी कह रहे हैं भूल मत करना, ये भूल मत करना, संतों की निंदा मत कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं छूटोगे, आम इंसान की निंदा का इतना बड़ा पाप है, जो नाम जपने वाले संत होते हैं उनकी निंदा। गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से कहा था, जब साथ में लेके जा रहे थे, 3 बातें कही थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी किसी की भी निंदा मत करना, और अगर किसी की गलती से हो जाए तो हो जाए, किसी संत के नाम जपने वाले की कभी निंदा मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये बात कबूल है तो मेरे साथ चल, गुरु नानक पाशा ने भाई मर्दाना से यह वचन लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना महत्वपूर्ण होगा ये बात, कितनी महत्वपूर्ण होगी,
एक गुरु अर्जुन देव जी महाराज को पूरी एक अष्टपदी इसके ऊपर लिखनी पड़ी कि संतों की निंदा मत करो। हर जे वलिया धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अगर सारे संत असली नहीं ढोंगी है तो सारे नकली भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले होते हैं, पाचा कहते होते हैं, करोड़ों में से कोई एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंद्रिय जित पंच दोखते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया होता है, जीता होता है, वो होता है असली संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हो तो पंक्तियां पढ़ ले। संता को मत कोई निंदो, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि संत की जरूरत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाचा कहते हैं ये कुदरत का कानून है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है निरंकार से मिलना है संत को बिचोला बनाना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं मिलूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों को बढ़ियाई दी है अपने प्यारों को, नाम जपने वालों को। मुझ तक पहुंचने के लिए संत की संगत करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा कोई नहीं मिल सकता। चीफ मिनिस्टर से मिलना हो सीधा मिलके दिखाओ, प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो सीधा मिलके दिखाओ, बीच में कोई चाहिए जिसकी पहुंच वहां तक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजन के राजा महाराजन के महाराजा से मिलना है तो संत चाहिए जिसकी पहुंच वहां तक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे बड़ी बात क्या होगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है बर दीजे। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम ये है बर दीजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अरदास में कह रहे हैं कि पातशाह तरस कर मेरे पे ये तरस कर दे कि हमेशा संत मेरी सहायता करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर काम में संत मेरी सहायता करें। संतों का सहयोग मांगा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें सिखाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सहाय सदा जगमाए, कृपा कर श्याम ये मुझे बर दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिना संतों की संगत के नाम में मन नहीं लग सकता। संतों के बिना नाम जपने का चाव पैदा नहीं हो सकता। बाणी कहती है, श्रवण कीजिए। संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों की अपनी अपनी अवस्था होती है।
हर आदमी का ना एक ऑरा होता है, ऑरा कहते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है हर इंसान की। एक पापी आदमी होगा ना, उसके पास जाओगे आपको नेगेटिव तरंगे आपको महसूस होंगी कि कहाँ पे आ गया हूँ मैं। बिहार से बोलिए दान गुरु नानक। गुणी ज्ञानियों को बहुत जल्दी पता चल जाता कहीं बैठ करके ये वाइब्रेशन कैसी स्थान की, यहाँ पर पहले क्या था। महापुरुषों को एक सेकंड में पता चलता है। बिहार से बोलिए दान गुरु नानक। नाम जपने वालों का भी ऑरा होता है, एक जहाँ पर वो बैठ के उठ जाए, आप वहाँ बैठोगे आपका नाम शुरू हो जाएगा। बिहार से बोलिए दान गुरु नानक, जपना नहीं पड़ेगा। संत संग नाए किच घाल, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मेहनत नहीं करनी पड़ती संतों के साथ रह के, नाम जपना नहीं पड़ता, नाम जपा जाता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जैसे जैसे जिसकी अवस्था हो संत की, ऐसा कोई संत हो जिसने बहुत कमाई की हो, उसके महापुरुष वचन करते थे कि उसके 100 फुट के दायरे में आ जाओ अपने आप नाम शुरू हो जाता है। और बाबा नंद सिंह जी जैसे पूर्ण महापुरुष, उनका केवल नाम ले लो नाम शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। वाणी कहती है, श्रवण कीजिए। जन्म मरण दुहूं मैं ना, धन पर उपकारी आए, जी दान दे भगते लाए, हर स्यों लैन मिला, ओ जी दान दे भगते लाए, हर स्यों लैन मिला। क्यों जरूरत है संतों की, जी दान दे भक्ति लाए, तेरे मरे हुए जमीर को जीवित कर देते हैं, वो भक्ति की चाह पैदा कर देते हैं, तुझे भक्ति में लगा देते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, आप किसी संत के पास जाते हो, कहते हो कि मेरी इच्छा पूरी कर दे, वो सर पे हाथ रखता है, हो जाएगा, समझ लेना ढोंगी है, ढोंगी है, क्योंकि संत का ये काम नहीं है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वाणी कहती है, और हम ऐसे ही संत ढूंढते हैं, सर पे हाथ रख के बोल दे कि काम हो जाएगा, हम ऐसे ही ढूंढते हैं बनी बनाई खीर मिल जाए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मानो कोई है भी ऐसा, पूरन भी है, सर पे हाथ रख के बोलता है कितने काम करा लोगे, एक खत्म होता है दूसरा सामने आता है, आदमी मर जाता है उसकी इच्छा नहीं खत्म होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो प्रेत बन के भटकते हैं, इनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, फिर भटकते रहते हैं, मरने के बाद भी इच्छाएं खत्म नहीं होती आदमी की। ये वाणी है, संतों का काम है आपको नाम से जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये संत का असली काम है, असली काम। लोगों का सवाल है संत का काम क्या है, सबसे जरूरी काम संत का एक है, बस एक। बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन इसे एक वचन पर पहरा दिया, एक वचन। ना गुरुद्वारे बनाए, ना उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, ना उन्होंने कुछ और किया, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने ऐसे बीज बो दिए नाम के कि आज उनका नाम लेकर हजारों कीर्तनी, हजारों प्रचारक उनका नाम ले लेकर संगत को जोड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। हजारों हॉस्पिटल, हजारों सब कुछ बन गया आज, क्योंकि उन्होंने नाम का बीज बो दिया। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, नाम तुल कुछ अवर न हो, नाम की तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। हजारों लाखों पुण्य एक तरफ, नाम एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संता को मत कोई निंदो, संता को कोई निंदो, संत Oh,
संत राम है एको। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये देखिए कमाल की पंक्तियां हैं। गुरु से सवाल किया सुख चाहिए, गुरु नानक से सवाल किया भाई सुख चाहिए क्या करें, गुरु नानक पाशा एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पर है सुख, चले जाओ। जे लोड़े सदा सुख भाई, साधु संगत गुर है बताए। जे लोड़े सदा सुख भाई, साधु संगत गुर है बताए। हर्ष बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे सुख चाहिए हमेशा का सदैवी नेवर एंडिंग, कभी खत्म ना हो ऐसा सुख चाहिए तो साधु की संगत कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की बाणी कह रही साधु जिसने अपने मन को साध लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत संत कौन, संत की पहचान क्या, एक ही पहचान, एक ही जो सबसे महत्वपूर्ण है। राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। सेवा कर तो केवल दो लोगों की, एक संत की एक राम की। क्यों, राम जो दाता मुक्ति मुकत को, मुक्ति का दाता है राम, और संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राम राम कराएगा कौन, संत, नहीं तो नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो नाम के भीतर प्रेम पैदा करना होता है ना, जिसकी वजह से जपने का मन करता है, वो एक संत करता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी शरीर छोड़ के चले गए, आज भी जपा रहे हैं नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार करके देखो, गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक, सृष्टि के मालिक, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। माता गंगा जी को कहां भेजा, बाबा बुढ़ा जी के पास, अगर दाद चाहिए पुत्र की तो उनके पास जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वढ़ियाई दी संतों को बाबा बुढ़ा जी को, हमें समझाने के लिए कि संत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं दे सकते थे दाद, नहीं वढ़ियाई देनी थी बाबा बुड्ढा जी को, हमें समझाना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अनजाने में हम क्या करते हैं दास, एक यहां पे थोड़ा छोटे में समझ ले। देखिए हमारी हम सबकी आदत है, फेसबुक पे कुछ आया, व्हाट्सएप पे कुछ आया, किसी संत की निंदा आई, कुछ आया, हम भी साथ में लग जाते हैं। हमें पता भी नहीं वो क्या सच है क्या झूठ है, मीडिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न्यूज भी झूठी हो सकती है, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी झूठ बोलते हैं, हमें क्या पता सच क्या है। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, कहते थे सबसे मूर्ख आदमी पता है कौन सा होता है, सबसे मूर्ख आदमी के लक्षण है कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपने मन में एक धारणा बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे मूर्ख आदमी, किसी ने कहा कि ये आदमी ऐसा है ऐसा है, चार लोगों से बातें सुनी और अपने मन में धारणा बना ली कि ऐसा ही है, कहते थे इससे मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि ना उसने देखा, ना उसने अपने आंखों से देखा, ना अपने कानों से सुना, चार लोगों की बातें सुन के एक धारणा बना ली और फिर लग गया किसमें, निंदा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी लिख कर गए हैं, कहते थे अगर किसी के बारे में कुछ बोलना है तब तुम्हें हक है जब 15 दिन और 15 रात उसके साथ रहो। किसी आदमी के साथ 15 दिन 15 रात उसके साथ रहो फिर तुम्हें हक है उसके बारे में निर्णय देने का कि गलत है कि सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इतनी देर कोई एक्टिंग करके नहीं रह सकता, कोई भेक बन के नहीं रख सकता, उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बचो इन चीजों से, बड़ी ध्यान से समझना। सारी की हुई कमाई एक एक निंदा से सारा कुछ कुएं में पड़ जाता है, आग लग जाती है पुण्यों को अगर किसी नाम जपने वाले संत की निंदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चुप कर जाओ मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
संता को मत कोई निंदो, कई अनजान लोग, कई ज्ञानियों को मैंने सुना है, कहते हैं कि 10 गुरु संत हुए बस उसके बाद कोई संत नहीं, गुरुओं को संत का दर्जा दे दिया। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। बात कहने से पहले वाणी को प्रमाणित करना चाहिए। वाणी कहती है अमृत दृष्टि पेखे होए संत, गुरु नानक की अमृत भरी दृष्टि किसी पर पड़ जाए वो संत बन गया। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। संत गुरु से मिलाने वाला है, गुरु गुरु है, गुरु हजारों संत पैदा कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना आती है, बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी के बाद जिन्होंने सेवा संभाली, एक जगह पे प्रवचन करने गए और यही बात वो कर रहे हैं संगत में कि गुरु नानक की अमृत दृष्टि जिस पे पड़ जाए वो संत बन जाता है। गुरु नानक तो निरंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुषों ने बात करते करते क्या कह दिया, जैसे स्टेज पे बात कर रही, नीचे एक बच्चा बैठा था उसकी तरफ इशारा करके कह दिया कि अगर गुरु नानक की अमृत दृष्टि इस बच्चे पे भी पड़ जाए तो ये भी संत बन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात कह के वो चले गए। एक संत हुए हैं जिनका नाम हुआ है संत मक्खन सिंह जी, जिन्होंने भाई मनी सिंह जी टकसाल की सेवा संभाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ये घटना अपने मुखारविंद से सुनाते थे, कहते थे मैं बच्चा था छोटा सा अनजान, मेरी तरफ इशारा किया था उन्होंने कि अगर गुरु नानक के अमृत की दृष्टि पड़ जाए तो ये संत बन सकता है और मुझे बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो खुद सुनाते थे ये घटना, कहते थे मैं नहीं मानता मैं संत हूं पर दुनिया कहती है संत है। उन्होंने सिर्फ इशारा कर दिया संगत में बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई कमाई साथ संगत जी, कमाई बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अपने कर्मों पे फख्र होना चाहिए हमें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जैसा गुरु मिला, जिसका जन्मदिन मनाएंगे मरण दिन कभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसा गुरु, बाबा आनंद सिंह जी जैसा संत, ऐसे महापुरुषों की संगत मिली, एक एक बात पर जो हमें रास्ता दिखाते हैं कैसे बैठना है, कैसे संगत करनी है, कैसे नाम जपना है, कैसे अमृत वेला संभालना है, एक एक चीज महापुरुष समझाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बाबा आनंद सिंह जी ना होते तो हमारी नाली के कीड़ों जैसी हालत होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह तक, गुरु नानक पातशाह तक ऐसे संतों महापुरुषों की धूड़ मांगते हैं, हमें सिखाते हैं कि संत क्या होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्वन कीजिए, थोड़ा ये शब्द भी पढ़ लेते हैं, मन कर रहे हैं। तोड़ते ना की जे मिल जी, तोड़ते ना की जे मिल जी, कहो नानक की अरदास। कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, जिनके चोले रतड़े प्यारे। कंत तिना के पास, कंत तिना के
के पास रतने प्यारे कंत तिना के पास कंत तिना के पास तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरे कंत न पहावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जे जाए मेरे कंत न पहावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जे जाए तिना के पास कंत तिना के पास जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास कंत तिना के पास प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक पातशाह हमें सिखा रहे हैं मांग कर कि मुझे संतों की धूड़ मिल जाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं ये अरदास करता हूं मुझे धूड़ मिल जाए और हम कहते हैं संतों की जरूरत ही क्या है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक बात चल रही है संत की पहचान की संत की नजर आने वाले के जीवन पर होती है जेब पर नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आप किसी के पास जाते हो जो संत आपको लगता है संत है आप कहते हो मुझे यह तकलीफ है वो कहता है कि इतने की सेवा कर दो तकलीफ दूर हो जाएगी या ये सेवा करा दो तकलीफ दूर हो जाएगी समझ लेना बच के निकल जाना वहां से प्यार से बोलिए धन गुरु नानक संत का काम है नाम से जोड़ना
आपके कर्म काट देना, हमेशा की तकलीफ दूर कर देना। संत कहेगा नाम जपो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और नाम अपना नहीं देगा, अपनी तस्वीरें नहीं बांटेगा, गुरु का नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत की टेक होती है गुरु, संत सिवाय गुरु के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के पास कोई आ गया, बड़ा सेठ, कहने को मुख्यमंत्री भी आपके पास आते हैं मिलने के लिए, मेरा एक काम करा दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों से कहता है कि मुख्यमंत्री आपके पास आते हैं, मेरा एक काम करा दो। महापुरुष कहने लगे हम मुख्यमंत्री से तो नहीं कहेंगे, पर उससे कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री बनाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख्यमंत्री पता नहीं काम करे ना करे, पर जिससे हम कहेंगे अगर नेक काम हुआ वो जरूर कर देगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टेक कौन? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये बाबा नंद सिंह जी के जाने के बाद ना बाबा ईश्वर सिंह जी ने सेवा संभाली नानक सर की, और वहां पर मतलब दिन रात काम शुरू हो गया, मार्बल लगने का, सोना लगने का, गुरुद्वारे बड़े बड़े बनने के। तो पूरे पंजाब में बात फैल गई कि इनके पास नोट छापने की मशीन है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नानक सर की मर्यादा ना वहां गोलक रखी जाती है, ना किसी से पैसे लिए जाते हैं। आप कोई कुछ सामान खाने का चढ़ा सकते हो, पैसे नहीं चढ़ा सकते, वहां पे मर्यादा ही नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने पैसे को अंदर ही नहीं आने दिया। बाबा ईश्वर सिंह जी की बात कर रहे हैं असली संतों की, ये बातें किसी ने ना सुनी होंगी ना समझी होंगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना मुझे याद आ गई, बीच में किसी ने 5 रुपए का नोट रख दिया बाबा ईश्वर सिंह जी के आगे, वो उठा के देख के पूछते सेवादार से क्या चीज है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंधे को भी पता होता है 5 का कौन सा 10 का कौन सा, ऐसे संत कहां मिलेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जिनका दिन मना रहे हैं वो ऐसे संत हैं जिनके बारे में आज सुनाई तक नहीं देता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात फैल गई कि बाबा ईश्वर सिंह जी ने नोट छापने की मशीन लगाई है, इतना पैसा आ रहा है, वहां चढ़ता कुछ है नहीं, इतने काम चालू है, सोने के गुंबद भी बन रहे हैं, गुंबद भी बन रहे हैं, मार्बल लग रहा है, महंगे से महंगे कारीगर लगे हुए हैं। तो उस समय के जो सेंट्रल से मिनिस्टर थे के पता नहीं कोई राष्ट्रपति नाम आया है, वो जुड़ा हुआ था वहां पर, वो आ गया वहां पर, कहने लगा देखो महापुरुषो मैं स्थिति को संभाल लूंगा, मशीन कहाँ रखी है बता दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि गवर्नमेंट रेट डालने वाली है। बाबा ईश्वर सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे आओ तुम्हें नोट छापने की मशीन दिखाते हैं। वो लेके कहाँ पर, बाबा नंद सिंह जी का तप स्थान जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था, भोरे साहब में ले गए, अंदर जाके कहने लगे ये है हमारी नोट छापने की मशीन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस तरफ इशारा करके कहते हैं हमें जिस चीज की जरूरत होती है गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे खड़े होकर अरदास करते हैं, पाशाह कारीगर चाहिए, मार्बल चाहिए, सोना चाहिए, कहाँ से आता है वो गुरु नानक जाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों की पहचान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है तोड़ते ना जे मिले जी, अमृतसर में था, गुरु नानक की कृपा से, आप संगत के सहयोग से, गुरु की मेहर से, ये जो नानक रोटी चलती है शाम को गाड़ी जाती है गरीबों के लिए, अमृतसर में था दास, मुझे फोन आया सेवादारों का कि राशन बहुत कम बचा है, 2-3 दिन का ही बचा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आप किसी को फोन कीजिए, बड़े बड़े लोगों को, कोई चावल भेजे, कोई दाल भेजे, कोई ये भेजे, कोई वो भेजे। मैं उस वक्त बाबा नंद सिंह जी का जीवन ही पढ़ रहा था किताब में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जब फोन आया। और यही घटना चालू थी बाबा नंद सिंह जी के, किसी को समझा रहे थे कि गुरु के सिवाय किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने उनसे कहा कि 5 लोग
गुरु साहब जी की हजूरी में खड़े होकर अरदास करो, पाछा राशन खत्म हो गया है, भेजो। मैंने कहा एक बार करके तो देखो, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। उन्होंने बात मानी, गुरु साहब जी की हजूरी में जाके अरदास की। अगले दिन सुबह फोन आया कि इतना राशन आ गया कि 3 महीने तक खत्म नहीं होगा, इसे आप क्या कहोगे मुझे बताओ। बस हमारा विश्वास डोल जाता है, हम डोल जाते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखे गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु का काम है, काम ही गुरु नानक है तो हम क्यों चिंता करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे महापुरुषों ने बात कही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कहा था जब तू समागम करता है ना तो पैसे की फिक्र ही मत किया कर, तू लगा दिया कर, जितना तुझे चाहिए, जितना खर्चा करना है कर दे कर, संगत के लिए एक से एक अच्छी चीज होनी चाहिए, गुरु साहब जी के लिए एक से एक अच्छे वस्त्र होने चाहिए, हर चीज अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, सुविधा संगत की एक से बढ़िया हो, तू पैसे की फिक्र मत करना, समागम खत्म होने से पहले गुरु भेज देगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज 6 साल हो गए समागम करते हुए, और यह सच है साध संगत जी, मैं क्या बताऊं, गुरु साहब जी की हजूरी में किसी चीज की कमी नहीं रहती, किसी चीज की जो मैं खर्चा करता हूं उससे ज्यादा गुरु भेज देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु बैठा है, महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता है, फिर भी हम डोल जाते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा अधूरी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये बात केवल समागम की नहीं, एक एक के पर्सनल की बात दास कर रहे हैं, पहले भी ये बात निकली है, हमारे घर में भी तकलीफ आ जाती है, कुछ आ जाता है, एक एक चीज की जुगती है। नाम का आसरा लो हर जगह पे, दुकान नहीं चल रही संगत के चरण डलवाओ, सुखमणि साहब जी का पाठ कराओ, कैसे नहीं चलती, रिद्धियां सिद्धियां आ जाती जहां संगत के चरण पड़ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में तकलीफ है, कला है, क्लेश है, नाम जपो, नाम जपाओ, संगत के चरण डलवाओ, खुद भी अमृत वेले उठो, कैसे नहीं दुख दूर होंगे, गुरु नानक को करने पड़ेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म बदलने पड़ेंगे उसे, क्योंकि उसके वचन है जो अमृत वेले उठे अमृत वेला संभालेगा, उसके कर्म बदल के रख दूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तोड़ती ना की जे मिले जी, अरदास संत तिना के पास, संत तिना के पास, जिनके चोले रतने प्यारे, संत तिना के पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण महापुरुषों की निशानियां सुन रहे हैं हम। एक नाम आया सुलक्खण सिंह टेलर, दर्जी था, उसने बाबा नंद सिंह जी की शोभा सुनी, बार बार लोग कहते थे बाबा नंद सिंह जी ऐसे, बाबा नंद सिंह जी ऐसे, एक बार दर्शन कर लो मन नहीं भरता, एक बार संगत कर लो अपने आप पैर उधर चले जाते हैं, यह सुनता है रोज, कपड़े सीता है, कहने लगा ऐसे बड़े संत देखे ढोंगी होते हैं, नकली होते हैं, रोज ऐसी बातें करता है। एक दिन मन मान गया कि जाके देख के आता हूँ, दर्शन करके आता हूँ, पर मैं संत तभी मानूंगा जब वो अंतर्यामता दिखाएं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे अंदर की भूज लें। गया बाबा नंद सिंह जी के पास, दर्शन किए, सामने जाके चौकड़ी मार के बैठ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे करना कपड़े कपड़ा चोरी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो एक चोर इम्तिहान लेने आया है एक साधु का, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे चोर इम्तिहान लेने आया है, साधु को परखने आया है, कपड़े चोरी करता है, लोग कपड़े सिलाने देके जाते हैं उसमें से कपड़ा रख लेता है, चोरी करता है, लीरे चोरी करता है, और कहता है कि मानूंगा संत तभी जब अंतर्यामता हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़ा अंतर्यामता। एक बात एक बड़े ध्यान से समझना साध संगत जी, अंतर्यामता ना 100 महापुरुष हो उनमें से एक के पास अंतर्यामता होती है, जो पूर्ण हो, जो गुरु नानक से मिला हो। वजह क्या है, अंतर्यामता एक ऐसा गुण है,
आदमी के भीतर का पढ़ लेना, हर कोई नहीं कर सकता, संत भी नहीं कर सकते। संतों का जो संत हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर्जामता वो गुण है, उसी को मिलता है जिसके पास माफ करने की भावना बहुत बड़ी हो, जो बड़े से बड़ा अपराध माफ कर सकता हो, क्योंकि हमारे दिल मन में इतना कचरा भरा पड़ा है अंतर्जामता में, वो सब देखना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे अंतर्यामता एक हाईएस्ट रैंक है संतों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर हम हर एक किसी को अंतर्यामी कहने लग जाते हैं। मैं गलती से शब्द पढ़ दूँ ना, कोई कहते भाई साहब हमने सोचा था आप तो अंतर्यामी, आपने पढ़ दिया। अरे कोई ना कोई शब्द तो पढ़ना ही था ना, चार लोगों ने मन में सोचा होगा। अंतर्यामता इसको नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर्यामता बहुत बड़ी दात है, हर किसी को मत संत बना दिया करो पकड़ के। संत का एक रुतबा है, उसे मेंटेन करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने चार बातें अच्छी बोल दी, शब्द अच्छा गा दिया, वो संत नहीं हो जाता। संत नाम है जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई संत। जिसे सांस अंदर जाए वाहेगुरु, सांस बाहर जाए वाहेगुरु, इसके सिवाय कुछ ना सूझे, वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे संतों की चरण धूड़ मांगी है, अब हम भी मांगे। तोड़त नाके जे मिल जी, बाबा आनंद सिंह जी समाधि में लीन है अपने कमरे में। सेवादार ने आके कहा एक बहुत बड़े संत आए हैं, नथोवाल से नाथ जी आए हैं जिनका बहुत नाम है, हजारों लोग साथ में हैं उनके, बहुत सारी गाड़ियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी अंतर्जामी तो हैं, सब जानते हैं, कहने के भेज दो अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर केवल नाथ जी को भेजना, दूसरा कोई साथ में सेवादार ना। नाथ जी ने यह बात सुनी, सारे सेवादार को इशारा किया बाहर रुको, भीतर गए। बाबा आनंद सिंह जी को हाथ जोड़े, सन्मुख होकर बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे सुनाओ नाथ जी कैसे चल रही है, कैसे बीत रही है। नाथ जी कहने लगे बड़ा आनंद है, हजारों सेवादार हैं, लोग इतने सारे पदार्थ चढ़ाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर सोना ही सोना चढ़ा हुआ था, अंगूठियां चारों उंगलियों में, बड़ी बड़ी मालाएं सोने की। अब आनंद सिंह देख के मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है संत और लिबास पूरा सोने से भरा हुआ। अब आनंद सिंह जी कहने लगे सुनाओ कैसे चल रही है, तो वो कहता है कि बड़ी आनंद है। अब आनंद सिंह जी कहने लगे मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, और बताओ कैसे चल रही है। नाथ कहने लगा बहुत बढ़िया, रिद्धियां सिद्धियां हैं। अब आनंद सिंह जी कहने लगे वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ किसी का सवारा भी है। कहने लगा हाँ, जो मुझे चढ़ावा ज्यादा चढ़ाते मैं उनको सवार देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी का बिगाड़ भी देता हूँ अगर कोई कहता है तो, समझो हमारे प्रेमी को कोई तंग करता है उसका बिगाड़ भी देता हूँ। रिद्धियां सिद्धियां मेरे पास, मैंने बहुत शिले काटे हैं, बहुत शिले काटे हैं, रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं, जीवन में आनंद ही आनंद है, जो चाहूं वो करता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने रो में कहा, अब पता चला अकेले क्यों बुलाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे लानत है तुम्हारे जीवन पर। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे लानत, घर बार भी छोड़ा, त्यागी भी बने, बैरागी भी बने, शिले भी काटे, रिद्धियां सिद्धियां भी आ गई, पर कर क्या रहे, एक को भी नाम से नहीं जोड़ा। 10-100 को नाम से जोड़ देते तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। नाम जपना तुमने भी छोड़ दिया,
नाम जपाया भी नहीं, केवल रिद्धियों सिद्धियों से लोगों को बस में करके रखा है। खुद भी नरकों में जाओगे, उनको भी लेके जाओगे। ध्यान से बोलिए, धन गुरु नानक। इतने कड़े लफ्ज पहली बार किसी संत को किसी ने कहे थे, पर बाबा नंद सिंह जी की कमाई इतनी ज्यादा थी कि जब वो रो में बोलते थे सामने वाला सुन हो जाता था। और ये खुद लिखते हैं नाथ जी अपनी किताब में कि मैं सुन हो गया। ध्यान से बोलिए, धन गुरु नानक। सुना था बाबा नंद सिंह जी के बारे में, कपाट खुल गए, हैरान हो गया मैं, सोच में पड़ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाथ जोड़ दिए नाथ ने, कहने लगा आप बताओ, मुझे होश आ गई है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, आप बताओ क्या करूँ। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नाम जप, अमृत वेले उठ, नाम जप और दूसरों को भी नाम से जोड़, जो तेरे साथ इतने लोग तुझे फॉलो करते हैं उन्हें नाम से जोड़, उनका भला कर। रिद्धि सिद्ध सब मोह है, नाम ना बसे मन आए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। असल में दास आपको कहते हैं ना, 40 माला मूल मंत्र करो, अगर कोई करना शुरू करेगा रिद्धि सिद्धियां दिनों में आनी शुरू हो जाती हैं। रिद्धि सिद्धि क्या होती है? जो मुंह से कहा पूरा होना शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और ज्यादातर लोग इसी में फंस के रह जाते हैं। नाम जप जप कर जब कमाई हो जाती है, रिद्धि सिद्धि आ जाती है, ज्यादातर जो आप दुनिया में संत देख रहे हो ना, जिनके पीछे भीड़ है, वो इसी में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कहते हैं पूरा हो जाता है, लाइन लग जाती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर संत का काम संत जपावे नाम। बाबा नंद सिंह जी ने नाथ जी को समझाया कि संत का काम है नाम जपाना, और तुम नाम जपाना छोड़ के बाकी सब कर रहे हो। नाथ जी कहने लगे, होश आ गया, सुरत ठिकाने आ गई, कहने लगे मैं ठीक है आपका वचन मान के अब नाम जपूंगा, नाम जपाऊंगा, पर मैं आपको पहचान गया हूं, मुझे एक वचन देना पड़ेगा आपको। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे क्या? कहने लगे नहीं, पहले वचन करो कि आप मेरी ये बात मानोगे, मैं आपकी ये बात मानूंगा। कहने लगे तू बता फिर भाई कहेंगे। तो नाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने तो आधी जिंदगी गवा दी अपनी, मुझे लगा था कि यही सब कुछ आनंद है, रिद्धियां सिद्धियां, किसी का सवार देना, किसी का बिगाड़ देना, लोग पीछे घूमते हैं, पदार्थों का ढेर है, पैसों की कमी नहीं है, मैं जीवन का आनंद ले रहा था, आपने ज्ञान दिया कि नाम के बिना नर्क है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। राम जो दाता मुकुट को, संत जपावे नाम। संत का काम है नाम जपाना। अब मैं नाम जपूंगा भी, नाम जपाऊंगा भी, पर एक बेनती है, मेरा अंतिम समय जब आएगा आपने आके संभालना है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने वचन दे दिया, ठीक है अगर तुमने हमारा वचन माना, संगत को नाम से जोड़ा, हम वचन देते हैं कि तेरा अंतिम समय हम आके खुद संभालेंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और हिस्ट्री है साथ संगत जी, नथोवाल नाथ जी के अंतिम श्वास चल रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं नानक सर में नथोवाल की तैयारी करो, जाना है, किसी को वचन दिए हुए हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वहां पहुंचे, जब उसने सुना नाथ जी ने बाबा नंद सिंह जी आए, किसी तरह खड़ा हुआ, जान आ गई भीतर, चरणों में माथा टेका। बाबा नंद सिंह जी ने कहा नहीं ये सब छोड़ो, अब नाम में सुरत जोड़ो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आगे बाबा नंद सिंह जी कहते रहे वाहिगुरु, पीछे वो कहता रहा वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी कहते रहे वाहिगुरु, पीछे वो कहता रहा वाहिगुरु, श्वास त्यागे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी में कहा है साध संगत जी, नानक कच्चड़िया सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओ जीवन दे विछड़े, ओ मोया ना जाए छोड़। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जिन्हें तू अपना मित्र बना के रखा है, नानक कचड़िया से तोड़िया कच्चे हैं, जब तक तेरे पास पदार्थ हैं, जब तक तेरे पास धन है, तेरे साथ हैं, तेरे सुख हैं, तेरे साथ हैं, दुख में सब भाग जाएंगे, जीते जी तुझे छोड़ जाएंगे, पर एक संत को मित्र बना ले, एक नाम जपने वालों को मित्र बना ले, मरने के बाद भी तेरी गवाही देने के लिए वहां खड़ा रहेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी जैसे संत बना ले अपने मित्र, डर नहीं लगेगा, साथ में खड़े होंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जय महाभयान दूत जम दल तय केवल, नाम संग तेरे चल रहे। जहां बाबा नंद सिंह जी आके खड़े हो गए, नाम कहा नहीं होगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ऐसे महापुरुषों की संगत वाहे गुरु, ऐसे महापुरुषों की संगत बख्शे गुरु, पूर्ण महापुरुषों की, पूर्ण महापुरुषों की, पूर्ण। एक छोटी सी घटना लेकर दास समाप्ति करेगा। बात चल रही थी निंदा की। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। संता को मत कोई निंदो। इस बात को समझने के लिए छोटी सी बात, दो दिन पहले भी हमने बात ली थी। सुखदेव मुनि जब राजा जनक के महल में देखा राजा को भोग विलास में,
मन में शंका आ गई। एक दूसरा पहलू है, इसके कई पहलू हैं इस घटना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहली बार देखा तो राजमहल से बाहर से ही वापस आ गया। वापस आकर चौक में कुछ साधु बैठे थे, उनके साथ बैठ गया पेड़ के नीचे और क्या करने लगा, राजा जनक की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग इसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, मेरे पिताजी भी इसे ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, और ये तो भोग विलास में लगा, ये किस प्रकार का राजा है, ये किस प्रकार का ब्रह्म ज्ञानी, निंदा कर रहा है किसकी, राजा जनक की। और देखा किसने, नारद मुनि जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि जी ने क्या किया, भेष बना लिया एक साधु का और नदी के पास में किनारे में बैठकर मिट्टी को उठा उठा के नदी में डालने लगे। काफी समय तक, कई घड़ियों तक, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक समझो वो मिट्टी उठा उठा के नदी में डाल रहे हैं। सुखदेव मुनि देख रहे हैं, परेशान हो गए देख देख के, उसके पास चले गए, भाई क्या कर रहे हो, कहने लगा मैं नदी में पुल बना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहते हैं, कैसे मूर्ख आदमी हो, ऐसा मिट्टी डाल डाल के इतनी बड़ी नदी में एक हाथ से मिट्टी डाल रहे हो, ऐसे पुल बन जाता है क्या। तो वो कहने लगा जाओ अपना काम करो मुझे करने दो। वो सुखदेव मुनि कहने लगा मुझे देखा नहीं जा रहा तेरा इतना समय बर्बाद हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे देखा नहीं जा रहा, तू इतना समय बर्बाद कर रहा है इसलिए तुझे समझाने आया हूं, तो मुझे क्या लेना। तो नारद मुनि जी कहने लगे मैं भी इसीलिए आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुझे समझाने, तूने इतने सालों तप किया, तेरे सर पे चिड़िया ने घोंसले बना लिए और अब तू एक संत की, पूर्ण महापुरुष की निंदा कर रहा है, राजा जनक की। तू सारे तप को बर्बाद कर रहा है, जैसे मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ तू अपने इतने सालों के तप को बर्बाद कर रहा है, मुझसे देखा नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान दिया नारद मुनि ने सुखदेव मुनि जी को कि निंदा मत कर राजा जनक की, तेरा सारा क्या हुआ तप व्यर्थ चला जाएगा। और हम क्या करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने जो नोट किया है, जो किसी संत से जुड़ा होता है उसकी निंदा नहीं करता, दूसरे की करता है। वो दूसरा वाला जिससे जुड़ा होता है वो तीसरे की करता है। सबको सिखाया जाता है नहीं करनी, पर दूसरे तीसरे की सब करते हैं। हमारी नजरों में हमारे संत सबसे ऊपर, बाकी सब उन निंदा के लायक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर जाओ, हाथ जोड़कर बेनती है, हमें नहीं पता कौन कहाँ पहुंचा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम गलत हुए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, हमें नहीं पता ना, हम कैसे, हमने अपनी आंखों से जब तक कुछ नहीं देखा तब तक नहीं बोलना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज बाबा नंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है साध संगत जी। बाबा नंद सिंह जी, वो बाबा नंद सिंह जी, हमारी तो बनियानों में भी जेब होती है, उनके कुर्ते में भी जेब नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बाबा नंद सिंह जी जिन्होंने कभी अकेली स्त्री से बात ही नहीं की, या उसका पति या उसका भाई या उसका पिता साथ में हो तो, नहीं तो वो भी अवॉइड करते थे। वो बाबा नंद सिंह जी जिसने पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया। वो बाबा नंद सिंह जी जिन्होंने कभी कहीं साइन नहीं किए, कहीं अंगूठा नहीं लगाया, कोई चीज मेरे नाम पे ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं, त्यागी बैरागी नाम से जोड़ने वाले। और हमेशा एक ही बात कहते थे, हमेशा एक ही बात जो उनका तत्व मॉरल है उनके जीवन का, अमृत वेले उठो नाम जपो। नाम के बिना किसी ने बात नहीं पूछनी, नाम के बिना किसी ने बात नहीं पूछनी। बाबा नंद सिंह जी के वचन कहते थे, मत कहना कि बाबा नंद सिंह जी के संगे हम, कहते थे जब मरने के बाद जमदूत ले जाए या धर्मराज के सामने पेश हो तो मत कहना बाबा नंद सिंह जी के संगी हैं अगर नित्यनेम नहीं संभालते तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे 6 माला भी मूल मंत्र की होंगी, हम जामिन है साथ में खड़े होंगे, फिर कह देना बाबा नंद सिंह जी की संगत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम पक्का करो, बार बार बात आती है बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम के बिना किसी ने बात नहीं पूछनी, ना यहां ना वहां, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संता को मत कोई निंदो, संता को मत कोई निंदो, संत है एको सिंह जी के नाम की धुनी लगाएंगे। बाबा नंद सिंह जी तेरी जय हो, बाबा नंद सिंह जी धन, बाबा नंद सिंह जी। 5 मिनट के लिए सब जुड़ जाओ।
बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, 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 बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे। सब देवते फुल वरसाउंदे, सब देवते फुल वरसाउंदे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय हो, 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 नंद सिंह जी तेरी जय होवे, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय हो, नंद सिंह जी तेरी जय होवे, 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 बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे। संता को मत कोई निंदो, संता को मत कोई निंदो, सतना को सतना कोई निंदो संगत संता, संता को मत कोई निंदो सारे संता, हाँ संतरा गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन करता है ये सभा थम जाए, खत्म ही ना हो। ये नज़ारा, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का राजन के राजा महाराजन के महाराजा को जैसा प्रकाश होता है, इसकी वजह है बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने अलमारियों में रखना शुरू कर दिया था, मर्यादा भूल गए थे, अटैचियों में लेके जाते थे। बाबा नंद सिंह जी ने सुमत बख्शी, एक एक को पूरे जीवन में प्रचार किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3x6 का पलंग हो, कम से कम 3x6 जो एक आदमी को चाहिए होता है। अगर परगट गुरा की देह है तो देह की तरह सत्कार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सिखाया। बाबा नंद सिंह जी ना होते, शुक्र है बाबा जी का। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।